press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Mera naam hai Uzaifa aur aap dekh rahe hain Best for You. आपने पहले कुछ पिक्स देखी हैं वीडियो शुरू होने से पहले, तो उसमें मैंने क्लोथ के ऊपर जो है अपना लोगो या अपना टैक्स वगैरह लगाया हुआ है. कोई भी क्लोथ के ऊपर आप लगा सकते हैं, मेथड यही है. तो हम चलिए देख लेते हैं कैसे लगाना है 7.0 में. वीडियो शुरू करने से पहले से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, अब हमने यहाँ थोड़ा सा वर्क करना है. इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट लेवल, यहाँ से अपने इसके लेवल थोड़ा ज़्यादा कर देना है. ओके, इसकी शेडो आपने कुछ ज़्यादा करनी है. एंड फिर दोबारा आपने इमेज एडजस्टमेंट एंड कन्वेक्स में चले जाना है, यहाँ से इसकी शेडो बना देनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं. एंड अपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, ब्लर, गैलोजीन ब्लर, 1 point ब्लर रखना है अपने इसका, एंड ओके कर देना है. अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव है, जिसको आपने सेव कर लेना है. तो मैं हुज़ैफ़ा डेस्कटॉप के ऊपर से सेव करूंगा, हुज़ैफ़ा से लिख के. ओके, एंड अब आपने इसको दोबारा बैक कर लेना है इस पिक के ऊपर क्लिक करके. तो आपने कोई लोगो वगैरह ओपन कर लेना है जो भी आपको लगाना है. इसको मिनिमाइज करना है, कंट्रोल टी करना है. जैसे कोई दोस्त कह रहे थे कि आपने उसे डाउन करना तो बता दिया सी सी को, बट आपने जो है वो इंस्टॉल करना नहीं चलाना नहीं बता रहे आप. तो मैं दोस्तों उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप कुछ देर वेट कर लें. ओके, तो मैंने ये लोगो लगा दिया अपना, एंड इसको आपने इस पर क्लिक करके सॉफ्ट राइट कर देना है. अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है, ब्रांडिंग ऑप्शन पर जाना है. यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन शेडो, इसको आपने यहाँ से लिनर ब्लर कर देना है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम कर देनी है. यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक करना है, स्ट्रोक को आपने जो है वाइट कर देना है. और यहाँ से आपने अगर आप कोई भी और रंग चुनना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. एंड नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके आपने इसे भी लिनर ब्लर कर देना है, इसको भी आप लिनर ब्लर करके एंड आपने जो है वो ओके कर देना है. ओके करने के बाद आपने जो है वो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, फिल्टर, यहाँ से आपने जाना है डिस्ट्रो में और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, एंड इस पर क्लिक कर देना है. इसी बात आपने 10-10 रख के, ठीक है, यहाँ से आपने इसको फर्स्ट को, यहाँ से सेकंड को करके आपने ओके करना है. और यहाँ से जो आपने फाइल सेव करी थी वो आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है. तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है वो पिक उसमें एडजस्ट हो गई. ओके, अब जब ये एडजस्ट हो गई है तो अभी हमारी ये काफ़ी लाइट है, तो आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये डार्क हो जाएगी. ओके, तो ये देखें, ये बिल्कुल उसी की तरह से जो है वो उसके अंदर एकदम अंदर जो है वो उसके प्रॉपरली चली गई है. और अगर आप और भी गहरी करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे करके आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं. जितनी बार कंट्रोल जे या आप कंट्रोल जे नहीं करना चाहते, ओके, तो फिर आप इस पर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर एंड ओके. फिर आपने और ज़्यादा गहरी करनी है तो आप फिर दोबारा से डुप्लीकेट लेयर एंड ओके कर दें. तो ये देखें, अब ये यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट लग रही है. तो ये ऐसे लग रहा है वाकई कि मेरे यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले प्रिंट हुआ हुआ हो. तो इस तरह से आप अपनी पिक कोई भी ले लें, लाइक यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं आप. मैं आपको अपनी पिक भी लगा कर दिखा देता हूँ. ये मैं फ़िलहाल ऐसी ले रहा हूँ पूरी, आप कट कर सकते हैं बाद में इसको, कंट्रोल टी. ओके, तो मैं इसको हाइड करूँगा यहाँ से, को यहाँ से आपने जस्ट सॉफ्ट लाइट करना है. अभी देखें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हल्का सा आ गया, फिर आपने जो है वो कंट्रोल जे 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 जी, आपने इसको एडजस्ट करने के लिए मस्ट और ज़्यादा जो है आपने इसको वैसे पहले इसी. तो दोस्तों आप इसी मेथड से जो है अपनी पिक वगैरह को भी कर सकते हैं ऐसी, किसी टॉवल वगैरह के ऊपर, किसी के ऊपर जो है अपना अपना लोगो या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है और आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।